बच्चों कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ उद्योग। इस पाठ में हम निम्नलिखित बातों पर गौर करेंगे, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, औद्योगिक तंत्र, औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख उद्योगों का वितरण, पाठ से जुड़े प्रश्न उत्तर। क्या आपने कभी विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है। वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य द्वारा मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये कागज़ प्रेस में जाता है जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठ पर रेखाएँ खींचने के लिए किया जाता है। इसके उपरांत सभी पृष्ठों को एकत्रित करके अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधा जाता है और फिर पैक करके इसे बाजार में बेचने के लिए भेजा जाता है। अंत में ये आप तक पहुँचता है। दूसरे क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल आकार और स्वामित्व के आकार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती उत्पाद, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज आयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा तेल के डब्बे बनाने में। आकार, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथों से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उद्योग बड़े पैमाने के उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, पूर्ति करो, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो अच्छे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय हैं। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रकरणों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है।
औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्व उत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया हैं। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों और के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होता है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई, पुणे समूह, बैंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। विश्व के प्रमुख औद्योगिक लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वह देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है वो है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में केंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंचारना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहाँ ये प्रगलित होता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसे अन्य धातुओं उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहे या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हुए हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा और इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते थे। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पाद केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो चार राज्यों में फैले हैं। वे चार राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु के अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साक्चू का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। ये स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन में से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ये स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज प्राप्त होता था। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ।
भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात में भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पिट्सबर्ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर हैं। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नव परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। यह अयस्क के नव परिवहन हेतु सदस्या मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र एक तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। पहियों, मोनोगेला और एलेगनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगेला और एलधी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। धागे से कपड़े की बनाई ये प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्कर, जूट और पटसन का उपयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे में नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति एक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटिश में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मसूली पट्टनम की छीटे, कालीकत के कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत वडोदरा के सुनहरी जरी के काम वाली सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। लेकिन हाथ से बने हुए होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्तुओं का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। कोष्ठ आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में ये उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। ये यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है, परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद के सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। ओसाका, ये जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ये जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है।
ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराता है। कोष्ण जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयोगी है। जोड़ो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्तुओं के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का ये एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लौह इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। पाठ से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, आज का पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आपको पसंद आया। धन्यवाद।